पड़ा था रणमल को। रणमल के बाद जो आज राजा होगा उस राजा का नाम है राव जोधा। देखो पहले समझ लो राव जोधा को। राव जोधा के समय एक महत्वपूर्ण बात है, इसके समय हुई थी आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि किसके समय हुई? राव जोधा के समय। कब हुई पूछ ले तो बताओगे कब हुई? 1453 में। किसके संरक्षिका में हुई थी? तो यहां पर थी कौन भाई? अंसाबाई। अंसाबाई की संरक्षिका में एक संधि हुई जिसका नाम क्या था? आवल बावल की संधि। देखो क्यों हुई, कारण ये था क्योंकि एक तरफ तो थी, एक तरफ था मारवाड़ और दूसरी तरफ था मेवाड़। मारवाड़ का राजा था राव जोधा और मेवाड़ का राजा था महाराणा। दोनों ही अपनी ओर से, मारवाड़ से ये शक्तिशाली है, उधर वो शक्तिशाली है। अब इन्होंने कहा अगर दोनों लड़े तो कहते हैं कि बहुत भयानक परिस्थितियां हो सकती हैं क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली हैं। तब अंसाबाई ने विचार किया क्यों ना इन दोनों की मैं संधि करवा दूं। तब बताते हैं अंसाबाई ने इन दोनों के मध्य एक संधि करवाई, आवल बावल की संधि, जिसमें क्या तय किया गया वो देखिए। इसमें इन्होंने तय किया कि ये यहां पर एक स्थान पड़ता है सोजत। स्थान का नाम क्या है? सोजत स्थान कहां पड़ता है? पाली में। यानी सोजत को मुख्य केंद्र बनाते हुए इसने कहा कि सोजत से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो मारवाड़ वाला वो किसका रहेगा? जोधा का। और सोजत से नीचे वाला जो क्षेत्र है किसका? मेवाड़। वो रहेगा किसका? कुंभा का। इनकी सीमाओं का निर्धारण किया और इनको एक प्रतीक दिया। मेवाड़ वालों का प्रतीक है आम वृक्ष और मारवाड़ों का प्रतीक है खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी। तो याद रखना ये सीमा का निर्धारण किया गया और मुख्य बिंदु बनाया था सोजत है पाली को। फिर इसने इस संधि के तहत ही क्या किया, जोधा की कहते हैं पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगारी देवी। श्रृंगारी देवी इसकी ये क्या थी? पुत्री। कुंभा का पुत्र था जिसका नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। और इसका क्या कर दिया दोनों का? विवाह। कुंभा का पुत्र था रायमल और कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? श्रृंगारी देवी। इन दोनों का विवाह कर दिया किस संधि के तहत? आवल बावल की संधि के तहत। और इसी श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडा बावड़ी बनवाई, या इसे गोसुंडी बावड़ी भी बोलते हैं। गोसुंडी बावड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? किसने? श्रृंगारी देवी ने। कहाँ करवाया? चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया। समझ में आई? और ये जो सीमा का निर्धारण किया गया, सीमा का निर्धारण वो किसको केंद्र बनाया? केंद्र किसे बनाया? सोजत को। और सोजत कहां पड़ता है? सोजत पाली को केंद्र बना के दो भागों में बांट दिया। एक तरफ तो था मारवाड़ और दूसरी तरफ था, यानी सोजत के ऊपर वाला हिस्सा किसका होगा? दक्षिण हिस्सा किसका होगा? और मारवाड़ वालों का प्रतीक बोलो खेजड़ी वृक्ष। और मेवाड़ वालों का प्रतीक बोलो आम वृक्ष। समझ में आ रही है क्या बात? राव जोधा इसके समय मेन बात तो है आवल बावल की संधि। कब की? 1400। अंसाबाई संरक्षिका के संरक्षिका थी। एक तरफ तो था मारवाड़, एक तरफ था मेवाड़। मारवाड़ का था जोधा, मेवाड़ का था कुंभा। श्रृंगारी देवी पुत्री किसकी थी? जोधा की। कुंभा का पुत्र था रायमल। दोनों के मध्य विवाह हुआ और इस श्रृंगारी देवी ने गोसुंडी बावड़ी बनवाई। कहाँ बनवाई? चित्तौड़गढ़ में। तो पूछ रहे थे गोसुंडी बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो सीमा का निर्धारण केंद्र बनाया सोजत को। सोजत कहाँ पड़ता है? इसको दो भागों में बांटा, मारवाड़ और मेवाड़। मारवाड़ का प्रतीक रखा खेजड़ी वृक्ष और मेवाड़ का प्रतीक रखा। याद रखना
इस जोधा को ही सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राव जोधा को। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसी राव जोधा ने एक नगर बसाया और इस नगर का नाम क्या है भाई? बोलो, जोधपुर। जोधपुर नगर किसने बसाया था? राव। कब बसाया? तो याद रखना 1459 में। 1459 में एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था? जोधपुर। सुनना, अब मैं कुछ नोट लगा के फिर मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ। आपको पता होगा शायद उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1559। इसके 100 साल बाद कब? 1559 में। सिरोही की स्थापना कब हुई? 1425 में। उदयपुर की लिखी थी बताओ, जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727 में। बताओ जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1155 में। बताओ बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488। वैशाख शुक्ल तीर्थ जिसे कहते हैं कि प्रत्येक आका तीज के दिन बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने एक नगर बसाया जोधपुर और अपनी राजधानी भी किसे बनाई? जोधपुर। जोधपुर में इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। जोधपुर में कहते हैं पहाड़ी है चिड़िया टूंक। इस चिड़िया टूंक पहाड़ी पे कहते हैं चिड़ी चिड़ी नामक एक बाबा रहा करता था, तो चिड़िया बाबा से कहते हैं जाकर ये बोले ये पहाड़ी है री, ये पहाड़ी है। और कहते हैं इसी पहाड़ी पर एक योगी रहा करता था, वो तपस्या वगैरह किया करता था। तो बताते हैं इस योगी को यहाँ से इसने राजा ने निकाल दिया, कहते यहाँ से जाओ आप, मेरे को यहाँ पर एक दुर्ग बनाना है। तब बताते इस ऋषि ने यहाँ पर श्राप दे दिया, कहते यू तू मेरे को यहाँ निकाल तो रहा है लेकिन कभी भी सफलतापूर्वक तू इस दुर्ग का निर्माण नहीं कर पाएगा। तब बताते हैं कि जैसे इस दुर्ग का निर्माण करवाता था तो कहते हैं नींव से ईंट का पानी सूख जाता है, सॉरी जैसे ही वो मसाले वगैरह डालते थे तो वो उसका पानी सूख जाता था अपने आप। तो ऐसे करते करते इसका निर्माण नहीं हो रहा था। तब इसने क्या किया और अपने पुरोहितों वगैरह उनसे सभी से जानकारी ली, तब उसने बताया उन्होंने कि इसकी जो नींव है वो आप उससे जानकारी लो रिद्धि बाई से, क्योंकि उस समय रिद्धि बाई प्रचलित ही हुई थी। किससे जानकारी लो? रिद्धि बाई से। तब रिद्धि बाई के पास गया ये कि मेरे को एक दुर्ग बनाना और वो निर्माण नहीं हो रहा। तब रिद्धि बाई ने कहा कि यहाँ एक व्यक्ति की भेंट मांगता है, वो भी जिंदा व्यक्ति। तब कहते हैं यहाँ पर है, कहता कि जिस व्यक्ति को भी गाड़ा जाएगा वो सहमत होना चाहिए कि मेरे को वहाँ गाड़ दो, लेकिन जिस भी व्यक्ति को आप गाड़ोगे उसके परिवार की आपको देख रेख करनी पड़ेगी। तब एक व्यक्ति था तंग ओइड़ो बापड़ो संसार हूँ। चिड़िया टूंग पहाड़ी पहले बताओ है कहाँ? जोधपुर में। पहले मैं थोड़ी बात बताऊँ फिर कौन था वो बताएंगे। चिड़िया टूंग पहाड़ी जोधपुर में, यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया जोधा ने और इस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़। ठीक है, किस दुर्ग का निर्माण करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है? जोधपुर में। इस दुर्ग की जो नींव है, नींव किसने रखी थी? रिद्धि बाई। किसने रखी थी? और रिद्धि बाई ये तो बचपन का नाम है, बाद में इसको किस नाम से जाना गया? करनी माता, चुहो वाली देवी, करनी माता। और नींव रखी थी इसी करनी माता ने। अगर यहाँ पूछ ले जिंदा किसे गाड़ा गया? जिंदा गाड़ा गया राजा राम भांबी को, या इसे राजा राम खंडेला भी कहते हैं। तो राजा राम भांबी या खंडेला को यहाँ पर क्या है? जिंदा गाड़ा गया था। उसकी अगर हम बात करें आगे, इसे जिंदा गाड़ा गया किसको? राजा राम भांबी को। क्लियर? तो बताते हैं कि ये जो चिड़िया टुक पहाड़ी है इस पे पूछ लेते हैं। देखो एक चिड़िया टुक पहाड़ पे रामदेव जी का मंदिर भी है क्या? चिड़िया टुक पहाड़ी पे है, जोधपुर में चिड़िया टुक पहाड़ी पे रामदेव जी का मंदिर है। एक सुरताखेड़ा सॉरी छोटा रामदेवड़ा कहाँ है? गुजरात में। और एक चित्तौड़गढ़ में भी रामदेव जी का मंदिर है। अपने वैसे प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर कहाँ है?
कहाँ है? पोखरण है, जैसलमेर। राव जोधा आवल बावल की संधि कब हुई? 1400। अरे कब हुई? हंसाबाई के संघर्ष में मेवाड़ मारवाड़ के मध्य हुई। इस संधि के तहत सीमा निर्धारण की गई। सोजत पाली मारवाड़ का प्रतीक चुना खेजड़ी को, मेवाड़ का प्रतीक चुना आम वृक्ष को। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है राव जोधा को। नगर बसाया जोधपुर, जबकि अन्य नगर की स्थापना ही याद कर लेना आप। राजधानी जोधपुर, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर जोधपुर के अंदर एक दुर्ग बनाया जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। इसकी नींव रखी थी रिधिबाई ने, करनी माता। जिंदा गाड़ा गया था किसे? राजा राम खंडेला। इस जोधा के पांच पुत्र थे। जी सुनो, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा पुत्र था निका। निका की कहते हैं बचपन में मृत्यु हो जाती है। निका गया। उसके बाद पुत्र था बीका। उसके बाद पुत्र था सातल देव। उसके बाद पुत्र था सुजा। और एक पांचवा मैंने खुद ने उठा। तीन याद कर लियो, एग्जाम की दृष्टि में बहुत है। बीका चला गया बीकानेर, और बीकानेर में इसने स्थापना कर दी राठौड़ वंश की। बीकानेर में राठौड़ वंश की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1465 में। बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना, बीकानेर की, बीका का इतिहास हम बीकानेर के राठौड़ों में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी छोड़ो इसको। अब दूसरा पुत्र था सातल देव। बताते हैं इसकी पत्नी थी जिसका नाम था आड़ी रानी जसमा दे। उस जसमा दे के कहने पर इसने राजा नियुक्त कर दिया किसे? सातल देव को। जबकि नियम ये बताता है राजा कौन बनना चाहिए? बीका। राजा किसको बना दिया? नाराज होगा बीका। तब बीका ने सिंहासन वगैरह मांगा, कहता मेरे को तलवार दे, ये चीजें मांग कर ये चला गया उत्तरी की ओर। और उत्तर में कोडम देसर में गया और वहां भैरव वगैरह का मंदिर बनवाया। ऐसे बहुत सी बातें हैं, वो चर्चा कर लेंगे। अब हम चर्चा करेंगे सातल देव की। तो देखिए सातल देव, हमारे मारवाड़ का राजा कौन है? सातल देव ने एक नगर बसाया था और इस नगर का नाम था सातलमेर। बताइए सातलमेर किस जिले में है? जोधपुर में। सातलमेर नगर किसने बसाया था? सातल देव ने। इसके समय घटना हुई 1492 में। वो घटना क्या थी वो देखो। ठीक है, इधर एक स्थान पड़ता है पिपाड़। पिपाड़ जो है कस्बा वो जोधपुर के अंदर है। पिपाड़ में कहते हैं गणगौर का अवसर था और इस गणगौर के अवसर में गणगौर की पूजाएं कर रही थी कितनी कन्याएं? 140 कन्याएं। और इधर हमारा एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। त्रिभुजाकृति का जिला कौन सा है? अजमेर का राजा था मल्लू खां। और इस मल्लू खां का एक सेनापति जिसका नाम था गुड़ले खां। गुड़ले खां को सूचना मिली कि यहां पर 140 कन्याएं हैं जो पूजा वगैरह करने के लिए आई हुई हैं। गुड़ले खां सेना लेकर गया और इन 140 कन्याओं का पिपाड़ कस्बे से अरण करके यहां ले आया। और बताते हैं जब रास्ते में लेके आया, सोजत वाले क्षेत्र से गुजर रहा था, तो कहते हैं आगे इधर इस बात की सूचना मिलती है सातल देव को। और सातल देव सीधे सेना लेकर पहुंचा अजमेर। अजमेर में ना ही मल्लू खां मिला, ना ही गुड़ले खां, गुड़ले खां की पुत्री मिली जिसका नाम था बिंदोड़ी। गुड़ले खां की पुत्री मिली जिसका नाम था बिंदोड़ी। तो बिंदोड़ी ने कहा किन्ने तेरा बापू एक अगेड़ है, किन्ने क्या कोई काम गया है? तब कहते हैं कहाँ काम गया मेरे को पता है। तो कहते हैं यहाँ से ही इस बिंदोड़ी को भी ले लेते हैं साथ में और इधर से रास्ते में आया। तब यहाँ इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात में इतना गुस्सा आया कन्याओं को देखा सातल देव ने। कहते हैं सातल देव ने तलवार से वध कर दिया किसका? और सर काट कर उधर कन्याओं की तरफ फेंक दिया। कन्या बोली हुए बिखेले लागे सर। तो उनके पास घड़े तो थे ही सभी में, सभी के पास। तो इन्हें घड़े घड़े के अंदर है ना, कदे एक ऊपर चावे कदे किया करे कदे किए करे है को नहीं। तब कहते हैं इसने कहा तूने मेरे पिता को तो मार दिया सातल देव, अब इसकी याद में कुछ ऐसा काम करता जो दुनिया याद करे।
तब कहते हैं इसने एक नृत्य शुरू किया सातल देव के समय जिसका नाम था गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य मारवाड़ या जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है जो कब किया जाता है तो याद रखना चैत्र नृत्य हमेशा किया जाता है। कह कैसे सुकन्या आएगा या कृष्ण आएगा कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक नृत्य किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में जिसका नाम क्या है ये कहते हैं ये जो है ना मटके के अंदर है दीप जला के किया जाता है। मटके में दीप जलाकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है गुड़ला नृत्य है। तो सातल देव की ये दो बातें आज एक तो इसने नगर बसाया जिसका नाम क्या था सातलमेर और दूसरी बात याद रखनी है इसने एक नृत्य शुरू किया इसके समय नृत्य शुरू हुआ जिसका नाम था गुड़ला नृत्य। ठीक है अब देखो चौदह सौ बानवे में गुड़ले खां ने पिपाड़ कस्बा कहां पड़ता है जोधपुर में पिपाड़ जोधपुर से 140 कन्याओं का अपहरण कर अपहरण करके ला रहा था तब सातल देव ने गुड़ले खां का क्या कर दिया वध किया और इसकी याद में एक नृत्य शुरू होता है जिसका नाम क्या है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है मारवाड़ या जोधपुर का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा नृत्य है गुड़ला नृत्य। और याद रखना ये गुड़ला नृत्य कब किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है कौन सा नृत्य गुड़ला नृत्य। इसके बाद राजा बना सुजा के समय एक ही बात याद रखनी है कि सुजा ने राव बीका पर आक्रमण किया राव बीका ने आक्रमण किया था सुजा पर क्यों क्योंकि वो सिंहासन वगैरह था इनके पास इसलिए तो राव बीका ने सुजा पर आक्रमण किया। इसके बाद एक राजा हुआ जिसका नाम है राव गंगा ने जोधपुर में कहां जोधपुर में गांगेलाव तालाब गंग श्याम मंदिर और गंगा की बावड़ी का निर्माण करवाया। काम बनवाई है जोधपुर के अंदर ठीक है। अरे चलो गंगा के आगे लिखना सत्रह मार्च 1527 में एक युद्ध होता है खानवा का जो युद्ध है वो भरतपुर स्थान में भरतपुर जिले के अंदर होता है। खानवा का युद्ध संघ और बाबर के मध्य हुआ था याद रखना खानवा के युद्ध में गंगा ने अपने पुत्र जिसका नाम था मालदेव को 4000
सेनापति देकर सहायता के लिए भेजा। किसकी सहायता के लिए? सांगा की। सांगा की सहायता के लिए भेजा। और रेऊ पता क्या कहता है? रेऊ, रेऊ इतिहासकार है, रेऊ के अनुसार बताते हैं कि मारवाड़ का जो पितर रहता है वो मालदेव को मान देता है। क्यों? कहते हैं ये नशे वगैरह करता था गांगा, तो छात में भी एक दिन कही जगह गाना गाओ लगे हो बापू जोर की गाना ना गा, लोग परेशान हो रहे। तब कहते हैं छत पे जाता है ये, और कहते हैं छत के बारी के पास ही खड़ा था तो उसको धक्का दे देता है और उसके नीचे गिरने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो रेऊ के अनुसार मारवाड़ का सही है के? सही है। मारवाड़ का पितर अंता किसे मानते हैं? मालदेव। अब जो नया राजा होगा वो कौन होगा? मालदेव। मालदेव के सबसे इंपॉर्टेंट है उपनाम। मालदेव को कहते हैं 52 युद्धों का विजेता। इसे ही कहते हैं हिंदू बादशाह। और फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा है। बंदायू, बंदायूनी ने इसे भारत का महान पुरुष बताया है। मालदेव का जो राज तिलक किया गया था वो किया गया था सोजत में। सोजत कहाँ है? पाली में। फिर इसकी कुछ घटनाएं याद करने का, इसका कालक्रम ऐसे याद कर लेना। सबसे पहले डेट याद रखना 1531। दो जोड़ना इसमें, बोलो। अरे बोलो 33, फिर दो जोड़ो। तीन में दो दो जोड़ा है, अब तीन जोड़ो। अब फिर तीन जोड़ो, फिर तीन जोड़ो। इतना कालक्रम याद हो जाएगा क्या आपको? बोला नंबर एक, अरे बोलो क्या हुआ है आपकी? 31। दूसरा, फिर अब बताओ पहला। 31, दो जोड़ो। 32, 33, फिर दो जोड़ो। फिर तीन जोड़ो, फिर तीन जोड़ो, फिर तीन, 44। समझ में आई? गिनती को नहीं आया बेटी का, बाबू मरिया पड़े हो तुम्हें। 1531 में अधिकार किया भद्राजून पे। भद्राजून कहां पड़ता है? जालौर में। 1533 में नागौर के दौलत खां को आया। फिर 1535 में मेड़ता के वीरम देव को। इन दोनों के बीच कहते हैं विवाद क्यों हुआ था? कहते हैं एक हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश। दरिया जोश हाथी को लेकर विवाद हुआ था इनके बीच में। 1538 में सर्वप्रथम अधिकार करता है जालौर पर। जालौर के कहते हैं किसको राय था? सिकंदर खां को। फिर बताते हैं इसने अधिकार किया सिवाना पर। और इसके बाद आप याद रखना 1541। 1541 में क्यों दुआ? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। देखो ये युद्ध क्या था। एक तरफ तो हमारे राजा थे जिसका नाम था मालदेव। बताते हैं इसमें मालदेव के दो सेनापति गए थे जिसका नाम था जेता और कुंपा। जेता कुंपा किसके सेनापति थे? जेता देवड़ा किसके सेनापति थे?
कान्नड़ देव के, और रणमल रायमल किसके थे? सो रणमल और रत्तीपाल अमीर के। गोरा बादल किसके थे? रतन सिंह के, ये भूलो मत है। और बताओ आलाउदल किसके थे? परिमर्दी देव चंदेल के, है ना। तो मालदेव, मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा, उधर खड़ा है बीकानेर का राजा जिसका नाम है राव जीत सिंह। बताते हैं इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है, और जेता व कुंपा थे बहुत महान थे। इसके बारे में कविता बोली जाती है, सुना दो क्या? वो कहते हैं चूड़ी की खनकन सुन ले, वो कहते हैं चूड़ी की खनकन सुन ले, रुनझुन सुन ले पायल की, वो कहते हैं आंचन सुन ले, खुशबू सुन ले संदल की, वो कहते हैं जो प्रेसी के खातिर ताजमहल बनाते हैं, राज धर्म को छोड़कर जो कभी जुल्फों में सो जाते हैं, उपासना नर्तन करती महलों की प्राचीर सुनो, ओ विशाली की नगर वधु ओ दीवाने जहांगीर सुनो, वर्तमान कब नस्तक है इन राज खुदारों पर, इतिहास सलामी लेता बिस्मिल राज गुरु खुदारों पर, जिसने दुश्मन के साथ आंख लड़ा के शमशीरें तानी होती है, सच्चे अर्थों में उसी की धन्य जवानी होती है। वाह वाह, अरे वाह। तो मालदेव, जेता और कुंपा, इसके लिए जेता कुंपा बहुत बहादुर थे। राव जेत सिंह कहते हैं इस युद्ध में हार जाता, और इसी युद्ध में युद्ध स्थल पर ये क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु। और कहते हैं इसका पुत्र था जिसका नाम क्या था? कल्याणमल। और कल्याणमल यहाँ से भाग लिया, और कल्याणमल भागकर किसकी शरण में चला गया? भागा और भागकर चला गया शेर सा सूरी की शरण में। अब जो नेक्स्ट युद्ध होगा वो उसमें कौन होगा? एक तरफ शेर सा सूरी। 1544 में युद्ध हुआ जिसका नाम है गिरी सुमेल, या इसे कहते हैं जेतारण का युद्ध। स्थान पड़ता है ये पाली के अंदर। कहते हैं 4 या 5 जनवरी को युद्ध हुआ था, ये दोनों डेट फिक्स मानी जाती है। ठीक है, सुनो, एक तरफ तो सेना लाकर गिरी में डला दी, किसने? मालदेव ने। और मालदेव का सेनापति दो ही वही जिसका नाम था जेता और कुंपा, उधर एक तरफ तो खड़ा है दिल्ली का राजा कौन? शेर सा सूरी। शेर सा सूरी के बचपन का नाम याद रखना क्या था? फरीद। शेर सा सूरी एक तरफ ये है, और एक तरफ इसके साथ आया था इस युद्ध में कल्याणमल। समझ रहे हो बात को? अब देखो इधर बताते हैं, जेता कुंपा 4 जनवरी को ये यहां पर आ गई, ये बम्बू लगे हुए इनके, इधर ये शेर सा सूरी के हैं। बताते हैं कि रात को जब ये समय, इनको जेता कुंपा का अलग बम्बू था और इस मालदेव का अलग था, राजा का अलग हुआ करता था। शेर सा सूरी ने रात के समय एक चाल खेली, और चाल के अंदर पर्ची के अंदर बताते हैं 20-22 दारू पे रखवा दिए, और इसे बम्बू के अंदर रखवा दिए जिसका जो जिसमें मालदेव और कुंपा रहे, सॉरी जेता और कुंपा थे। और ये जो पत्र है ये हाथ लग गया मालदेव के, उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि जब युद्ध प्रारंभ हो तब माँ जेता और कुंपा ये पैसे आप रख लो, और युद्ध में हमारी तरफ हो जाना। इस बात की सूचना मिली किसको? और मालदेव सूचना मिलते यहाँ से भाग लिया, और भाग कर कहाँ चला गया? भागा। भागा कौन? मालदेव। मालदेव भाग कर चला गया कहाँ? सिवाना। और सिवाना का किला कहाँ पड़ता है? जालौर। दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? सिवाना। तो ये मालदेव भागा और भाग कर चला गया सिवाना में। सिवाना में इसने क्या ली? शरण। लेकिन पीछे देखो क्या परिस्थितियाँ हुई, इधर पीछे बच गए जेता और कुंपा। इन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से भागे तो क्या कहलाएंगे? कायर कहलाएंगे। तब जेता और कुंपा ने कहते हैं बहुत बहादुरी से कहते हैं यहाँ पर इसके साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में दोनों ही बताते हैं वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध में दोनों क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त। जेता और कुंपा यहाँ क्या हुए? मृत्यु होती। और जेता और कुंपा जब कहते हैं शेर सांसूरी की इस युद्ध में विजय हुई, क्या हुई? जीत हुई। विजय होते ही तब इसने एक बात कही, इसने कहा जैसलमेर में अधिकतर बाजरा वगैरह होता है मारवाड़ में, तब इसने एक बात बोली कि मैं इस एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। यानी एक मुट्ठी, यानी अगर ये चाल ना चलता तो हो सकता है, हो सकता था, क्योंकि इनकी 52 युद्धों का विजेता था मालदेव, छोटा मोटा राजा थोड़ी ना था, चर्चा सुनी हुई थी। तो इसने कहा कि मैं
एक मुट्ठी भर, बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता।